हेलो दोस्तों आप सभी का आशास माइंडफुल लिविंग चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नमस्ते दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम आपके साथ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन के विषय पर चर्चा करेंगे यह एक गंभीर और दुखद स्थिति है और हम इसे समझने और इससे निपटने के लिए जानकारी साझा करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी टाइप वन एसएमए के रूप में भी जाना जाता है एक जन्मजात न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें मस्तिष्क की नसों का विकास प्रभावित होता है यह विकार बचपन में ही प्रारंभ होता है और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार नसों के माध्यम से संचार करने की क्षमता को प्रभावित करता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन के कारण अगला विषय हमारी चर्चा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन के कारण यह विकार जन्मजात होता है और बचपन में प्रकट होता है चलिए हम इसके कारणों की ओर बढ़ते हैं जननी और पिताजी के जिनेटिक मुद्रण स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन जिनेटिक विकार होता है और इसका प्रमुख कारण ही हो सकता है जननी और पिताजी के मामले में विकासशील जीनों में बदलाव होना यदि व्यक्ति के माता पिता में इस विकार का संक्रमण होता है तो बच्चों को यह विकार विकसित हो सकता है गलत पोषण स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी टाइप वन का विकास पोषण की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है अगर शिशु को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता है तो उसके शारीरिक विकास में कमी हो सकती है और इससे विकार प्रकट होने का खतरा बढ़ जाता है नसों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक प्रकार का भौतिक प्रभाव है जब शरीर में रखे गए विषाणुओं या रेडिकल्स में बदलाव होता है यह अवसाद तनाव और संशोधित नाटकीय अवस्थाओं के कारण उत्पन्न हो सकता है नसों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप नसों के विकास में दुर्घटनाएं हो सकती है जो एसएमए के लक्षणों का कारण बनती है अंतरग उत्पीड़न कई बार स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन विकास के दौरान शारीरिक या भौतिक उत्पीड़न का सामना कर सकता है इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे विकार विकसित होता है संक्रामक या वायरल संक्रमण कुछ मामलों में संक्रामक या वायरल संक्रमण भी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन का कारण बन सकते हैं यह संक्रमण नसों को प्रभावित करके उनके सही कार्य को प्रभावित कर सकता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप वन के मुख्य लक्षण मस्तिष्क विकार एसएमए के मुख्य लक्षणों में से पहला लक्षण मस्तिष्क विकार है यह विकार मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करके शरीर के नियंत्रण और संचार में कमी लाता है मांसपेशियों का कमजोर होना स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी टाइप वन में मांसपेशियों का कमजोर होना एक महत्वपूर्ण लक्षण है इसके कारण बालक कम शक्ति और मांसपेशियों की कमजोरी के कारण आम गतिविधियों को संबाधित करने में कठिनाई हो सकती है चाल और गतिविधियों में कमी ऐसे में प्रभावित बच्चे में चाल और गतिविधियों में कमी भी होती है वे आम चाल के साथ मुकाबला करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं और शारीरिक संपादन को कंट्रोल करने में समस्या हो सकती है संभावित दौड़ और उछाल ऐसे में विकासशील अवधि में बच्चों के लिए दौड़ने और उछालने की क्षमता में कमी हो सकती है वे अप्राकृतिक ढंग से चलने या दौड़ने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें कठिनाई आ सकती है उच्च लक्षणों की उपस्थिति एसएमए के साथ बालक में उच्च लक्षण भी पाए जा सकते हैं जैसे कि चिड़चिड़ापन अतिरंजन या शारीरिक संघर्ष में दिक्कत ये लक्षण उच्च में समस्याओं की एक संकेत हो सकते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी टाइप वन एसएमए के लिए उपाय और इलाज यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह समय का विशेष उपचार या इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है यह विकार एक जन्मजात गंभीर बीमारी है और इसका सीधा इलाज अभी तक मौजूद नहीं है हालांकि ऐसे में के रोगी और उनके परिवार के लोग इस स्थिति का सामना करने के लिए कुछ माध्यमिक उपाय और समर्थन का लाभ उठा सकते हैं निम्नलिखित चीजें आपको सहायता प्रदान कर सकती है फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी के माध्यम से रोगी को शारीरिक व्यायाम संतुलित आहार और मासिक अभ्यास के माध्यम से मांगलिक शक्ति को बढ़ाने का मार्गदर्शन मिलता है यह उनकी शारीरिक स्थिति को सुधारने और मांगलिक उच्चतम संभावना बनाए रखने में मदद कर सकती है व्यायाम और योग व्यायाम और योग में के रोगियों को शारीरिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकते हैं योग के विशेषांक और प्राणायाम उनकी स्वास्थ्य यंत्र को मजबूत करने और मांगलिक संभावनाओं को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं चिकित्सा और वैद्यकीय समर्थन एसएमए के रोगियों के लिए नियमित चिकित्सा समीक्षा और वैद्यकीय समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है रोगी और उनके परिवार को एक विशेषज्ञ चिकित्सक की देखभाल और मार्गदर्शन मिलना चाहिए जो उन्हें सहायता समर्थन और उपचार के लिए सलाह दे सके। पारिवारिक समर्थन एसएमए के रोगियों और उनके परिवार के लिए समर्थनीय वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है परिवार के सदस्यों की सहायता आदान प्रदान और उनकी भावनाओं का समर्थन उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है सोलह करोड़ का एक इंजेक्शन जोलगेंसमा जोलगेंसमा एक दवा है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी के इलाज में प्रयोग की जाती है यह दवा नसों के माध्यम से मस्तिष्क में संक्रियात्मक खंडों को स्थापित करने में मदद करती है जोलगेंसमा एक गहरे सांस लेने के लिए संक्रमण पर नियंत्रण रखने वाले एक जीन नामक अग्रहण का उपयोग करती है जोलगेंसमा का प्रयोग आमतौर पर ऐसम के प्रकार वन और प्रकार टू के रोगियों के इलाज में किया जाता है यह एक नास्टियो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और चिकित्सा पेशेवर द्वारा निर्धारित अंतराल पर प्रदान किया जाता है इस दवा को सामरिक नेतृत्व और समर्पित चिकित्सा दल के निर्देशानुसार ही उपयोग करना चाहिए यदि आप जोलगेंसमा के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपको चिकित्सा पेशेवर से संपर्क करना चाहिए वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपके सवालों का समाधान करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक शेयर कीजिए चैनल के सपोर्ट के लिए और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद